अम्मा जी रहुआ घबराई मत, हमार हाथ मत छोड़ा, आई हम रहुआ के गिरने ना दे, आई 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 अम्मा जी ठीक है का भाई लम्मा हवा पे मोच आ गई आई 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 अम्मा अम्मा आई अम्मा पैर में का हो गए लागा तो थोड़ा मोच आ गई बा चंदा तो क्या आवे में इतना लेट कैसे हो गई अरे भैया वो का रहे ना अम्मा अम्मा जी अम्मा अम्मा आओ बैठा अम्मा आधा बेटा हम ठीक है राहत है जया माधव हम सब कार से घर जाते हैं तू श्वेता के लेकर बाइक पे चले यहाँ अम्मा देखिए ना चंदा का हालत ठीक नहीं है आप श्वेता के साथ चल जाइए हम चंदा के लेके आवते हैं ठीक है अम्मा संभाल के जाए चलिए माधव बाबू दीदी देखिए शीशा का टुकड़ा माता जी दीदी श्वेता अब हम तो के लेके चले चंदा दीदी दुखी होके के कोनो जरूरत नहीं थी माधव जेकरा के दिल से पसंद करेलन ओकर साथ कबो ना छोड़ेलन भली ही आज श्वेता उनकर प्रति अपना ध्यान खींचे में सफल हो गईली पर तू देखियो एक दिन माधव तोहार जरूर हुई है और अब तो छठी मैया के आशीर्वाद भी तोरे साथे हुआ हम बहुत खुश बनी तू अपन व्रत में सफल भइलू
दीदी आज रउआ हमार बहुत साथ दे लिया। हमरा के तो ऐसा लागल कि छठी मैया खुदे हमार हर कदम कदम पे साथ दे लिया। आज हमारी व्रत सफल भई तो सिर्फ रउआ के कारण। थैंक यू दीदी। याद रखिए चंदा, जीत हमेशा सच्चे प्यार की ही होखेला। आराम से मासी। हाँ श्वेता और सब तो ठीक हो, लेकिन तोरा के शीशा से अपन हाथ से अपना पैर काटे के का जरूरत रहे? तोरा के कुछ हो जाता? आंटी जी श्वेता के कुछ ना हो। हाँ वो तो है, माने के पड़ी। चल अब तू आराम कर, कल सवेरे घाट पे अर्घ देवे जाए कहो। ठीक हो? What a surprise! How are you? I am very fine. ऐसा कैसे? काहे? हम अपने दोस्त से मिले ना ही आ सकत का? तू तो आते रह गयला मुंबई, हाँ? कितना बुलावली तो होके, पर तू तो बिजी पर्सन हवे। काहे आई बा? यही से हम ही आ गई नी मुंबई से, तोरा से मिले। उधर ठीक कहियो। Thank you so much, मोना। मोना तू तो जाने लो, कारोबार के साथ साथ घर परिवार की भी मैनेज करके चले के पड़ेगा। ऐसे ना अभी सॉरी, पर नेक्स्ट टाइम पक्का पक्का आवे का कोशिश कर। देखिला तो है नेक्स्ट टाइम कब आवेला। छोड़ा ये सब बात के, ये बतावा कब आइलू। और हाँ चाचा चाची कैसन हो? अब देखा हमो कितना पागल है, ऐसा खड़े खड़े सब कुछ पूछते। चला ना घर, चला ना आराम से बैठ के बतियावे। अरे नहीं माधव, घरे आज रहेगा, हमके आज शाम के ही मुंबई लौटे के। वैसे तो हम आयल रहनी दीपावली या छठ के छुट्टी बितावे खातिर, पर मुंबई से फोन आयल रहल हमके आज शाम के ही वापस जाएगी, कुछ अर्जेंट काम पर गए। वैसे तो हम हर साल छठ पर्व मनावे खातिर अपन गांव आवे ली, तो आज सोच लेनी सवेरे सवेरे तुम्हारे से घाटे पे मिल ली। मम्मी पापा बिल्कुल ठीक बने, और तू बताओ तू कैसा है वो? हम तो ठीक ही हैं, कारोबार भी ठीक ठाक चलत बा, जिंदगी भी ठीक ही है। माधव का सच में तुम्हारी जिंदगी ठीक चला था? हमके तो तोरा के देख के कुछ और ही नजर आ रहा होगा। माधव चित्रा के गईला के बाद तू एकदम बदल गई। देखा माधव, हम जानत है चित्रा की कमी केहू पूरा ना कर सके, पर तोरा के जिंदगी में आगे बढ़े के पड़ी। माधव बोला। अरे छोड़ा ना मोना, कितना दिन बाद मिले लो और ही सब बतावा। मुंबई में सब कैसन चला था? हम सुन ली कि तू अपन पुरान बिजनेस के साथ साथ डिजाइनर क्लोथ्स का नया स्टोर खोले जाता हूँ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, सही सुन ले हुआ। हम स्टोर ओपन करे जाते हैं और ए बार इनॉग्रेशन में तोड़ के आवे के पड़ी, कोनो बहाना ना चली। हाँ ठीक बा, कोशिश करो। लेकिन माधव उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब वो है जो हम तो उसे कहनी है। माधव हम तोरा के तब से जानत है जब चित्रा तोरे जिंदगी में नहीं रह ली, हम तोरा कैसे घुट घुट के जियत नहीं देख सकेंगे। जॉन भाई ओकरा के भुला जा, यही में भलाई बा। देखा माधव, चित्रा की याद के साथ साथ तोरा के जिंदगी में भी आगे बढ़े की पड़े। पता अभी रास्ता में के मिलन? चंदा। कितना बड़ हो गई बिया और बहुत समझदार भी। हम तो उसे कई साल पहले मिलन रहे, तब भी वो माधव बाबू ही कहत रहली।
समय के साथ हम सोचनी कि उकर बात व्यवहार भी चेंज हो जाए, पर नहीं, वो जैसे के तैसे दिया। चेहरे पर वह मासूमियत, निश्चल मन, ईमानदार, जिकरा के मन से चाहे ले, उकरा खातिर कुछ भी करे के तैयार, अपन जान भी दाव पर लगा सकेगी। जौन लड़का से उकर शादी होगी, उकर तो भाग्य जग जाए। आज के जमाने में चंदा जैसा लड़के मिलना बहुत मुश्किल है। अपने पति के साथ साथ घर परिवार के भी साथ लेके चले वाली लड़की है वो। हम तो सासाराम से मुंबई तक चले हैं, पर चंदा जैसा लड़की आज तक ना भेटा। माधव कहाँ खो गई ला? अरे कहीं नहीं के। हाँ मोना, घर चलतो तो अच्छा रहा, अम्मा से भी मुलाकात हो जाए, काफी दिन के बाद मिल ले हो। सॉरी माधव, हमरा के बहुत तैयारी करे के हम, एक दो रिश्तेदारी में भी जाए के हम। अपने नानी के घर गांव ना जाए ना तो हमरा मम्मी हमरा के मार डाली हन। ओकरे बाद सीधा फ्लाइट पकड़ कर मुंबई, तोरा से मिले के रहे, यही से आ गई। थैंक यू सो मच मोना, थैंक यू सो मच। हमके बहुत अच्छा लागल तू आइलू, अगर तू घर चल ले तू तो और भी अच्छा लागत। पर कौन बात ना, हम तो के फोर्स ना करो, और तुम्हार नए बिजनेस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, हमरा के इंतजार रहब। हां जैसे ही इनॉग्रेशन की डेट फाइनल हो हम तुम्हारा के मैसेज करब, आवे के पड़े और कोनो बहाना नहीं, ठीक है? कोशिश करो। लेकिन माधव, हम जॉन कहानी हां ऊपर जरूर ध्यान दिया, जीवन के ऐसे रोक के मत रखा। ये जो दोस्त के दोस्त से रिक्वेस्ट दिया, ठीक है? अच्छा माधव, अब हम के जाए के बाद बोला आई लुक। दिल से थैंक यू। ओके बाय। दत्ता, हमार पैर और कमर बहुत दर्द देता। राने, हमरा के एक बात का तसल्ली है कि छठी मैया की कृपा से छठी का व्रत बहुत अच्छे से बीत गयल। हमार जान ऊपर नीचे होत रहल हो कि पता ना का होई, छठी मैया की कृपा से सब ठीक हो गयल। हाँ दीदी, दीदी लाई हम पैर दबा देते हैं। अरे हम दबा देते हैं ना, आराम मिल जाए। दीदी लेकिन एगो काम गड़बड़ हो गई बा, इस चंदवा के दोनों टाइम के अर्घ पूरा हो गए, दोनों गोर में सीसा चुभ गए, लेकिन ओकर व्रत सफल हो गई। एक नंबर के ढीठ लड़की हो। हाँ वो तो है, पर देख लो है ना कैसे श्वेता अपन चाल में कामयाब हो गई नी है, अपने तरफ माधव के खींच रे ले हम। माधव चंदा के घाट पे छोड़ के श्वेता के लेके घर आइलन। हाँ दीदी, ई बात तो सही बा। अरे शीशा के चोट से ओकरा के बुखार आ गेल बा। हमरा के तो समझ नहीं खे आवत के हम श्वेता के पापा के का जवाब दे। हाँ ई बात तो सही है दीदी। चली जे भैल से भैल, लेकिन जौन भैल ना अच्छा भैल। हाँ वो तो है, बस रहा है हमरा के आराम हो। और हाँ रानी, तोरा के एगो और काम करे के हो, सबके प्रसाद अच्छे से बाटे बटवावे के हो, घर परिवार रिश्तेदार गांव वालन यहाँ तक की नौकर चाकर सबके घरे में प्रसाद अच्छे से पहुँचे के चाहिए, ठीक है? अरे दीदी चिंता ना करी, हम सब कर ले। अब रउआ जाके कमरा में आराम करी,
आ जौन चीज के जरूरत होई ना हमरा बोल दे, हम पहुंचा देव। ठीक बा? ठीक है। अम्मा, अम्मा आपका तबीयत कैसे ना है? और पैर का मोच? हमार पैर अब बिल्कुल ठीक है, बस वो श्वेता। हाँ, श्वेता का हम पूछल भूल गए रहनी, कैसन तबीयत है ओकर? हम घाट से अबे आवत हैं, अब जाके पूछब कि का हाल चाल है। अरे अम्मा रही दी, हम ही जाके पूछ लेते हैं कैसन तबीयत है। श्वेता, काम अंदर आ सके? माता जी आई ना। अरे अरे संभाल के बैठा ना। अरे उठे का क्या जरूरत है? कोई ना माता जी, आप ठीक तो हो ना? का जरूरत रहे निर्जला व्रत कैले का? गांव वालन भी ये व्रत आसानी से कर ना पावेलन, और तू तो शहर की हो। माधव जी, हम सुन रहे रहनी कि छठी मैया के व्रत करे तो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, अब तो हमें ये व्रत करनी। और अब देखिए हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो गई, आपके दिल में हमारे लिए प्यार जाग गई, तभी तो आप हमरा के घाट से यहाँ तक साथ ही लेकर आई है ना माधव जी। ये क्या बकवास कर रहे हो, प्यार व्यार कुछ नहीं के? अच्छा अगर ऐसा नहीं के तो आप हमरा अपने साथ काहे लेके आई, वही जगह नहीं छोड़ देनी? तो हम इंसानियत के नाते तो के यहाँ पे लेके आई ली, तोरी जगह अगर केहू और ही हो इतना तो हम ये करती। तो आपके और हमरे बीच कुछ नहीं के? कुछ नहीं, खुद से झूठ बोले छोड़ दी माधव जी। ठीक बा रउआ हमरा के वहाँ से यहाँ लेंगे, लेकिन ओकरा बाद हमारे रूम में हमारे हाल चाल पूछे क्यों है उन्हें? देखा श्वेता, हम तो के देखे खातिर आई लड़नी कि तू ठीक हो कि नहीं, ना तो हम तो के डॉक्टर के पास ले जाई थी कि तू जल्दी ठीक हो जाई। तू ता ये बात करो आंटी जी से भी कह सकेली। का भेल माता जी बोली ना? ये तो ठीक कहो तू। तू माता जी हमारे दिल में आपके प्रति जो भी फीलिंग है हम कह देंगे, लेकिन आप अपन फीलिंग छुपाते हुए ऐसे तड़पत हुए हमरा के अच्छे नहीं लग रहा है। आप माधव जी हमरा के आपके प्यार चाहिए। आपसे शादी ही हमारी दवाई है। श्वेता हम तोर से कितना बार कह चुके हैं, ये संभव नहीं के हमारी जिंदगी एकदम अलग है। हम अपन जान से भी प्यारी पत्नी खो चुके हैं, अब हमारी जिंदगी तो सिर्फ हमार पत्नी चित्रा के याद और राइस मिल के काम तक सीमित है। देखा तो के एक बात कह देते हैं हम, तो और भलाई यही में है तू कोनो अच्छा लेकर ढूंढ के ब्याह कर ला, तो और जिंदगी सुख में कट जाए। नहीं माधव जी, हमारी जिंदगी तब आपके साथ ही कटी। हम एक बार जो फैसला कर ले ली उसके बाद हमरा पे कोनो फैसला पे कोनो अफसोस ना होगा। माधव जी आप हमरा से शादी के लिए इनकार कर, हम जिंदगी भर आपके इंतजार कर। अच्छा तो ई बात बात अब हम समझ गए। देखा तो आर ही सपना सपना ही रही, ही कभी पूरा ना हो सकता। और हाँ अभी यही वक्त हमारे घर से निकल जा, और हाँ आज के बाद हमके फिर कभी फोन मत करना।